फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, विवाहिता ने की खुदकुशी। खुदकुशी से पहले विवाहिता ने वीडियो बनाया कि पति और सास पर परेशान करने के आरोप लगाए। विवाहिता ने पति और सास को अपनी आत्महत्या के लिए मौत के लिए जिम्मेदार बताया। पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो फरीदाबाद का मामला, विवाहिता ने की खुदकुशी, अपने पति और सास पर परेशान करने के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए। तो पुलिस आत्महत्या से पहले बनाई गई वीडियो के आधार पर मामले में तफ्तीश कर रही है। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद का मामला, विवाहिता ने की खुदकुशी और खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और वीडियो के आधार पर पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं मरने जा रही हूँ, उसका जिम्मेदार मेरा पति सास है, उसे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये ना मर्द है, इसे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए मैं दुखी, अब दुखी कर दिए हैं मुझे ये उससे ज्यादा। और जितना चीज मेरा है, मेरी बहन का होगा और मेरा भाई का, और किसी का नहीं होना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। इसको करी से करी सजा परेशान हो गए, इसलिए मैं जा रही हूँ। मम्मी पापा मुझे। चलिए फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, अभी हमने विवाहिता का वीडियो देखा और उसके बाद खुदकुशी जैसा कदम उठाया के। पुलिस या जांच की बात करें तो अब तक जांच के नाम पर क्या कुछ? ज्योति बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रताड़ित करने के आरोप विवाहिता ने वीडियो में लगाए, तो उसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मृतका के सबको पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया। साथ ही परिजनों को भी सूचना दी गई है और जो भी बयान देंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो परिजनों के बयान की भी बात हो रही है, हालांकि वीडियो में साफ तौर पर विवाहिता ने अपने पति और सास पर परेशान करने के आरोप लगाए। तो ये बड़ी खबर आपको बताई फरीदाबाद से।